वैक्सीनेशन में चल रही घोर लापरवाहियों के सिलसिले का। वैक्सीन की दो डोज को लेकर ललितपुर में लापरवाही ऐसी हुई जिससे किसी के एक शख्स की जान पर बन सकती थी। एक शख्स को 5 मिनट के अंदर ही वैक्सीन की दो डोज लगा दी गई और इसके बाद जो सीएमओ ने इस पर सफाई दी वो स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता पर सवाल उठाता है। इन सबके बीच सवाल कई है लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर आएंगे। बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद से दिल्ली के लिए निकल गए हैं सीएम योगी। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव है और कल 11 बजे सुबह प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से मुख्यमंत्री रवाना हुए थे, गाजियाबाद पहुंचे और अब वो गाजियाबाद से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी संभव है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। तो दोपहर में 12:56 पर मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हुए थे और अब अपडेट नया ये है कि मुख्यमंत्री गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यहां से वो उत्तर प्रदेश भवन जाएंगे और वहां से फिर शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है क्योंकि अचानक से ये खबर आई कि मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या अपडेट है? ये देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, इंडियन एयरवेज पर पहुंचे और यहाँ पर जो फ्लीट थी, फ्लीट के रास्ते मुख्यमंत्री दिल्ली में दाखिल हुए हैं और सीधा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो इस तरह पहुंचेंगे वह यूपी भवन पहुंचेंगे, ये अभी बताया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली में इस समय कहाँ जाएंगे, ये नहीं पता। यहाँ पर गाजियाबाद की जो फ्लीट है, गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ है और जो गाजियाबाद का जो तुलसी निकेतन जो रोड है, भोपरा रोड है, वहां से मुख्यमंत्री निकले हैं, उस रास्ते से निकले हैं क्योंकि इस यूपी गेट वाला जो रास्ता है, इस रास्ते पर किसान है, इसलिए मुख्यमंत्री का रास्ता बदला गया है और मुख्यमंत्री सीधा दिल्ली में अब दाखिल हो चुके हैं। जी अवधेश, बिल्कुल शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले वो यूपी भवन जाएंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव है। और ये जो मुलाकात है इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और ये मुलाकातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरीके से समीक्षाओं का दौर उत्तर प्रदेश में चला, उन सब के बीच क्या बातचीत होती है, क्या बातचीत से निकल कर सामने आता है, ये तमाम चीज़ें हैं। और मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचे, गाजियाबाद से वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तरमागी प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन में चल रही लापरवाहियों की। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे जागरूकता पर सवाल उठ रहे हैं और आज ऐसा मामला आया जिसमें 5 मिनट के अंदर एक ही व्यक्ति को 2 डोज लगा दी गई। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि फ्री में वैक्सीन अगर देश को मिल भी जाए, ऐसी लापरवाही अगर होगी तो वैक्सीनेशन कैसे सफल हो। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन कितनी जरूरी है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अगर इसी वैक्सीन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाए और ये एक्सपेरिमेंट भारी पड़ जाए तो क्या हो, ये बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन ललितपुर से ऐसा ही एक हैरान और परेशान करने वाली बात सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही सामने आई जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है। असल में पूरा मामला ललितपुर के सदर कोतवाली के रावरपुरा मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का है। यहाँ एक शख्स को सिर्फ 5 मिनट के अंतराल पर ही वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी। वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं था कि वैक्सीनेशन में एक बार इंजेक्शन लगता है, इसी कारण उसने विरोध ना करते हुए 5 मिनट के अंतराल में दोनों वैक्सीन लगवा ली। इसके बाद वो घर चला गया और घर पर उसने परिजनों को सारा मामला बताया। इसके बाद जब उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई तो वो तुरंत सीएमओ के पास पहुंच गया। सीएमओ ने अपने पास आधे घंटे उसे बिठाया, इसके बाद उसे इमरजेंसी में भेज दिया। हालांकि इस मामले में सीओ का बयान अलग तरह का है। रावर स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया और फिर घर जा करके 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया, और
ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है, लगाने वाले को ही पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को ही पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है, मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को लेकर ये लापरवाही कोई पहली बार सामने आई है, बल्कि इससे पहले सिद्धार्थनगर में भी ऐसी ही लापरवाही सामने आई थी। यहां अवदही कला गांव के 20 लोगों को वैक्सीन की अलग अलग डोज लगा दी गई। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार होने लगेंगे। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी जुड़ गई हैं, चोटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के जीएमयू, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, ये मान सकते हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा है और कई बार दबाव में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जब कॉकटेल डोज लग गई कि पहली डोज कोविशील्ड की लगती है, दूसरी कोवैक्सीन लगा दी जाती है। अब मामला सामने आ रहा है कि 5 मिनट के अंतराल में 2 डोज लग जाती हैं। इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्योंकि वृहद अभियान चलने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उस वक्त तो गलतियों की संभावना और बढ़ जाएगी। देखिए, पहले तो ये ज़रूरी है कि हम लोग वैक्सीन के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो टाइम पीरियड है, उसका पालन अच्छी तरह से करें। मेरे ख्याल से ये गलतियां कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, बहुत ज़्यादा बड़ी लापरवाही, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। कि आप एक ही आदमी को 2 बार लगा रहे हैं और आपने देखा भी नहीं कि, क्योंकि हर चीज़ की एंट्री होती है करने से पहले, और फिर होता है ये किस तरह से लापरवाही हुई ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो स्लॉट अलॉटमेंट है जो ऐप के थ्रू, लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ना लगाने वाले पालन कर रहे हैं ना लगवाने वाले पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये गलती हुई। क्योंकि जिस स्लॉट में 2 आदमी है उसको ही आना है, किसी और को तो आना नहीं, तो भीड़ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको करनी है जब वैक्सीन लग रहा है। तब ये प्रॉब्लम कैसे आई ये सोचने का विषय है। और ये सब छोटी छोटी गलतियां ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन हमारे लिए जीवन दायिनी है, और कोई भी इस तरह की गलती पूरे समाज में एक भय व्याप्त कर देती है, जिससे नुकसान हम सबका होगा, पूरी सोसाइटी का होगा। ये कोविड की ट्रांसमिशन रोकने के लिए शायद वैक्सीन ही हमारा एकमात्र सहारा। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, अभी भी ऐसा लगता है कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है वैक्सीनेशन को लेकर, एक बड़ा तबका है, क्योंकि ये केवल 2 लापरवाही की तस्वीर है। डर की बात करें तो कासगंज में लोग टीम देखते ही भाग खड़े हुए, कुछ लोग जो पकड़े गए उनका कहना था मर जाएंगे। एक ज़िले में लोगों ने सरयू में छलांग लगा दी 14-15 लोगों ने कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना, हमारी जान चली जाएगी। तो ये भी अब अलग से एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि गलतियाँ अगर हो रही हैं तो लापरवाहियाँ भी हो रही हैं। कहा आपने, और मैं मानूंगी कि ऐसे में उस व्यक्ति की लापरवाही ज्यादा है जो कि एक डोज लगवा चुका था। कम से कम उस व्यक्ति को तो मालूम ही है कि मुझे वैक्सीन लग गई, वो दोबारा वैक्सीन लगवाने के लिए बैठ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं लोग अपने मन में ये धारणा ना पाले कि एक वैक्सीन की बजाय 2 डोज लगवा लें तो शायद हमें जल्दी फायदा हो जाएगा या ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, तो ये धारणा भी ना पाले। वहीं आपने जो बात बोली है वो बहुत सही बात बोली है कि अगर हम अभी अपने ग्रामीण इलाकों की तरफ देखें तो लोगों के मन में अभी भी बहुत संशय है, बहुत भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर के, और उनको हम जितनी जल्दी दूर कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि इस बार हमने सेकेंड वेव में कोरोना को गांव तक पहुंचते हुए देख लिया, और हमने वहां के हर्ष भी देख लिए जो सामने आए कि किस तरह से वहां भी तबाही मची है। इसलिए जितनी जल्दी लोग वहां पर हम उनको समझा पाए, चाहे हम वहां के रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करें, लोकल लीडर्स को सामने लेकर के आए, या हमारे ऐसे जो लोकप्रिय लोग होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको हम जो है सामने लेकर के आए, वो सहयोग दे इस वक्त अपना कि लोगों को प्रेरित करें कि वो वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बहुत जल्दी प्रेरित हो भी जाते हैं अगर उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो इस वक्त जरूर सरकार को ऐसे लोगों का सहारा भी लेना चाहिए जो कि लोकप्रिय हैं, और उनके द्वारा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों तक ये बातें पहुंचाएं कि धर्म से ऊपर उठ करके, अपनी जाति से ऊपर उठ करके हमें इस वक्त ये सोचना है कि ये वैक्सीन लेने में ही हमारी समझदारी है, और इसी से हम जो है कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे। और देखिए, लॉकडाउन में जाना कोई भी नहीं चाहता है, हर किसी
किसी की रोजी रोटी पर मार पड़ती है और वैक्सीन ही एक ऐसा तरीका है जो हमें लॉकडाउन से बचा सकती है। ये बात अगर लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे हम और तेजी से लोगों तक वैक्सीन को पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर तुलिका जी, जब हम भ्रम की बात करते हैं तो निश्चित तौर से अगर स्वास्थ्य विभाग से अगर गलतियां हो रही हैं तो लोगों में भी बहुत ज़्यादा कमी है। एक व्यक्ति जो एक 5 ही मिनट में 2 बार लगवा लेता है, कोविशील्ड को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम आ गया है, उसको लेकर बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि पहले कहा गया कि 28 दिन में दूसरी डोज लगेगी, फिर कहा गया 6 से 8 हफ्ते में दूसरी डोज लगेगी, फिर कहा गया कि 3 महीने में लगेगी। तो अब लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सही किसको माना जाए, क्या 3 महीने वाला लॉक कर दें या 6 से 8 महीने वाला, 6 से 8 हफ्ते वाला सही है, क्या है एग्जैक्ट टाइम उसका? देखिए कोविशील्ड जैसे हर चीज की प्रॉब्लम थी कि लोगों को ज्यादा पहले कुछ पता नहीं था। कोविड-19 एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो शुरुआत में 1 महीने का टाइम रखा गया था, 28 दिन बाद रखा गया था। लेकिन जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, यूके हैं, शुरुआत में ही वहाँ से 12 हफ्ते का टाइम रखा गया था कोविशील्ड के लिए, दूसरी डोज के लिए। उसका कारण है कि इम्यूनिटी बढ़ने का थोड़ा मौका देते हैं, तब उसकी सेकेंड इम्यूनिटी जो रिजर्व डोज है तब देनी चाहिए। अगर जो अब सही तरीका है कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है तो 1 महीना तो टाइम है ही मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने के अंदर वो ये वैक्सीन जरूर लगा लें उसकी बूस्टर डोज। ये क्योंकि जो 1 महीने की जो वैक्सीन है अगर उसकी डोज है, जब तक उसे बूस्टर नहीं मिलेगा तो शायद उसकी लेवल्स उतनी बढ़ नहीं पाएंगी जितनी बढ़नी चाहिए। तो 3 महीने का जो स्लॉट है वो ठीक हो गया है, 1 महीने के बाद 3 महीने बाद आप लगा दें, और ये वर्ल्ड ओवर फॉलो होगा। और शुरू शुरू में क्योंकि हम लोग के यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लोगों को पता नहीं था, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रही थी कि किसकी एफिकेसी कितनी है, इसलिए 1 महीना रखी गई थी। लेकिन अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि 12 हफ्ते के अंदर वो अब वैक्सीन 3 महीने बाद अपनी लगवा लें, 3 से 4 महीने की। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें पूरा जो सिस्टम चल रहा है वैक्सीनेशन का, प्रयागराज से कुछ मामले ऐसे सामने आए थे कि लोगों को मैसेज आ गए लेकिन यहाँ पर पता चला कि उनको वैक्सीन नहीं लग पाएगी। अभी भी क्या जो पूरी व्यवस्था वैक्सीनेशन की बनाई गई है उसमें कहीं तकनीकी तौर से खामी है या फिर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं जिससे गलती हो रही है जो सुधारी जा सकती है? देखिए ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हिचेस हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसमें हिचेस होते ही हैं। लेकिन पहली बात जो आपने की कि वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हुई, उनको मैसेज आ गई लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी तो ऑब्वियसली इसमें किसी का दोष नहीं था, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो आपकी जो डिसाइडेड डेट में आपको मैसेज भेज देगा, उसको ये नहीं पता कि वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। तो इस कारण से ये मैसेजेस आ गई थी। तो ये मेरे ख्याल से जो उनका टेक्निकल सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जिससे लोगों को मैसेजेस भी आ रही हैं, थैंक यू मैसेज भी आ रहा है जब वो वैक्सीन लगवा लेते हैं। और इसके दूसरा जो एस्पेक्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, उसके लिए तो मेरे ख्याल से सरकार काफी हद तक प्रयासरत है और बहुत सारी वैक्सीन की ऑर्डर भी हो चुका है। विद इन फ्यू डेज ये वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल होंगी, इसलिए टेक्निकल ग्लिच इज नॉट एन कि कोई सॉफ्टवेयर को आप जज करें कि वो खराब है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी हम इतना सिस्टमैटिक वे से मेंटेन कर रहे हैं, ये भी काफी तारीफ की बात है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, अब एक सवाल ये भी है कि जो ललितपुर से मामला सामने आया कि दो डोज उसको लग गई 5 मिनट के अंतराल में, किस्मत अच्छी थी उसकी, शायद की कोई दिक्कत नहीं उसको, सीएमओ ने भी हालांकि एहतियात बरता, तुरंत इमरजेंसी में भेजा गया कि कुछ अगर समस्या आएगी तो हम लोग उसको टैकल करेंगे, लेकिन क्या एक्स्ट्रा या ओवर डोज लेने पर नुकसान भी हो सकते हैं? अगर किसी को ये भ्रम है कि एक बजाय हम 2 लगवा लें तो ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी बन जाएगी? जी बिल्कुल, ये धारणा तो नहीं पालनी चाहिए अवधे जी, बहुत ही गलत होगा। क्योंकि देखिए वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो ये साफ तौर से हम बोल चुके हैं कि कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं उस वैक्सीन से, तो अगर ऐसी स्थिति में आप 2 डोज लगाएंगे तो वही जो साइड इफेक्ट्स हैं वो एम्पलीफाई हो जाएंगे, अननेसेसरली आपको तकलीफें हो सकती हैं, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो आप 2 डोजेज लगवा रहे हैं। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि हम 2 डोजेज इकट्ठे वैक्सीन की लगवा लें तो उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा, इसलिए ये धारणा नहीं पाले। और वही उन व्यक्ति के लिए भी मैं बोलूंगी कि जिनको लग गया है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, अगर अभी तक उनको कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट उभर कर सामने नहीं आए हैं तो संभावनाएं बहुत कम है कि उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन अब होगा। लेकिन जैसे आप जानते ही हैं कि आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में
जनरली लोगों को रखा जाता है वैक्सीन लगाने के बाद, इस तरह से सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम आधे घंटे निगरानी में रहें, और अगर कोई हमें ऐसा लक्षण उभर कर आता है कि सांस लेने में दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं, या हमें जो है बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो ज़रूर हमें वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनसे जो है इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर आप देखें पूरे विश्व में अब लगभग 212 करोड़ जो है वैक्सीन की डोजेस पूरे विश्व में लग चुकी हैं, और उसमें से 23 करोड़ तो भारत में ही लग चुके हैं। और अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा बहुत बड़ा संगीन मामला सामने नहीं आया है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा हो या लगवाते ही किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसा कोई मामला अभी तक सामने आया नहीं आया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो भी वैक्सीन इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम मान के चल रहे हैं कि काफ़ी हद तक सेफ हैं और इनकी वजह से हमें कोई खास दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए लोग घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, ये नहीं सोचे कि वैक्सीन लगवाने से हमें कोरोना हो जाएगा या हमें कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हो जाएगा आगे चलकर। हमें बिल्कुल, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है, नियमों का पालन जरूरी है, और नियम कितने महत्वपूर्ण है ये भी हम समझेंगे। की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी सदन पहुंच गया है मुख्यमंत्री का काफिला, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। आज शाम 4 बजे मुलाकात हो सकती है। तो थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के हिंडन मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और अब अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं दिल्ली, और उत्तर प्रदेश सदन यानी कि यूपी सदन में वो पहुंच गए हैं, और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी शाम 4 बजे हो सकती है। मतलब लगभग आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। तो ये इस वक्त का नया और ताज़ा अपडेट है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से मुख्यमंत्री रवाना हुए थे और वो यूपी सदन पहुंच गए हैं, और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। शाम 4 बजे ये मुलाकात संभव है, और कल 11 बजे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, इस वक्त मुख्यमंत्री कहाँ हैं और क्या नया अपडेट है उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर? अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच चुके हैं और फिलहाल वो विश्राम कर रहे हैं। 4:45 बजे करीब यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से 4 बजे करीब उनकी मुलाकात होगी, उस मुलाकात में तमाम सारी चर्चा होगी। उसके बाद अगर कल की बात करें तो कल भी उनकी 2 मुलाकात फिक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 बजे मुलाकात करेंगे, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। इस बीच में जो उनके पास आज अमित शाह के साथ मुलाकात हुआ, जो अगर खाली समय बचता है, अगर समय रहा तो वो कुछ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 3 मुलाकातें उनकी फिक्स हो चुकी है जो दिल्ली दौरे पे वो करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त मुख्यमंत्री अविनाश कहां पर हैं, और अमित शाह से अगर मुलाकात की बात करें तो कब ये मुलाकात हो सकती है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश सदन दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हो जाएंगे, जहाँ पे उनकी मुलाकात होगी। 4 बजे का समय निर्धारित हुआ है गृहमंत्री से मुलाकात का, और 4 बजे मुलाकात शुरू होगी जिसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर गृहमंत्री के साथ बातचीत होगी। बिल्कुल, और अविनाश अगर हम बात करें कल के कार्यक्रम की, तो क्या कल की भी टाइमिंग फिक्स हो गई है मुलाकात की प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष से, या उसमें भी संशय है? देखिए, कल की भी 2 मुलाकातें फिक्स हो चुकी हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से मुलाकात होगी, और 12:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास 7B मोतीलाल नेहरू रोड पर मुलाकात होगी। तो ये 3 मुलाकातें उनकी फिक्स हो चुकी है। जब वो लखनऊ से चले तो 3 मुलाकातें उनकी फिक्स हो चुकी थी, और इन्हीं 3 मुलाकात के लिए विशेष तौर से दिल्ली आए हुए हैं। इस तरीके से पार्टी अध्यक्ष, इसके अलावा गृहमंत्री, और इसके अलावा प्रधानमंत्री से मुलाकात का सिलसिला है। जाहिर तौर से बात है कि ये बड़ा संदेश है, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लोगों की भी जाहिर तौर से चर्चा होगी। और जो उत्तर प्रदेश में अब तक सरकार का कामकाज रहा है, चाहे कोविड काल के दौरान रहा हो या फिर अन्य कार्य हो, तो उसको लेकर भी एक अपडेट दिया जाएगा प्रधानमंत्री को, और भी तमाम सारी बातचीत होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके की चुनौतियां अविनाश कोरोना की रही हैं, जिस तरीके से कामकाज हुआ है, जिस तरीके से समीक्षाओं का एक लंबा दौर लखनऊ में भी देखने को मिला, तो क्या माना जाए कि पूरी तरीके से अब फोकस चुनाव पर है, और उसी को लेकर मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, अगर बात करें अवधेश, तो जाहिर तौर पर बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का कार्यकाल रहा है उस पर जरूर बातचीत होगी। कोविड काल के दौरान खासतौर से अगर अप्रैल और मई माह की बात करें, तो जिस तरीके से कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम सारी समस्याएं देखने को मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य रहा, तो ये 2 महीने के विशेष कार्य को जो है देखा जाएगा, और उससे बातचीत होगी, और आगे किस तरीके से और भी तमाम सारे कार्य करने हैं इसको लेकर ही बातचीत होगी। चूंकि चुनावी वर्ष है और मात्र 6 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में
विधानसभा चुनाव होने में, तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, क्योंकि आखिरी 6-7 महीने में किस तरीके से काम करना है, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, चाहे वो संगठन के स्तर पे हो, और चाहे अन्य स्तर पे हो, कि किस तरीके से तमाम सारे प्रदेश की जो जनता है उसके बीच कार्य करना है जिससे किसी से बहुमत मिल सके, इन सारी चीजों को लेकर महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहेगी। बिल्कुल, तो नजरें बनाए रखिएगा अविनाश। तो आपको बता दें कि ताजा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी सदन में हैं और शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी से भी मिलने का वक्त तय हो गया है और कुछ अन्य नेताओं से भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। तो लखनऊ से वो 12:56 पर रवाना हुए और गाजियाबाद से निकले, यूपी सदन पहुंच चुके हैं और यहां से थोड़ी देर के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। और हमारे साथ डॉक्टर दुलिका चंद्रा जी बनी हुई थी, मैम आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी आपका ही बहुत शुक्रिया।